हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में WhatsApp की कुछ सेटिंग ऐसे दिखाएंगे और सिखाएंगे कि उस WhatsApp का आपका तजुर्बा पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आएँ और WhatsApp ऑन करते हैं, कौन कौन सी सेटिंगें आपको समझाते हैं। ये क्या करना, आप WhatsApp ऑन करें, आप यहाँ पे क्लिक करें और सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ये जो तीसरे नंबर पे आ रहा है स्टोरेज एंड डेटा, इस पर आप क्लिक करें। सेटिंग में अगर पहली जैसे आप व्हाट्सएप में फ़ोटो या वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं, आपको उसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, फ्रंट नंबर पे जो लिखा हुआ है एम इन स्टोरिंग, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप या नंबर जिस पर ज़्यादा वीडियोस या फोटो होंगे वो शो हो जाएंगे, आप किसी को भी क्लिक करें और चेक करें। जैसे इसमें वीडियो पड़ी हुई है, वॉइस पड़ी हुई है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूं, अपना डेटा क्लियर करना चाहता हूं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और डिलीट कर दें इसको। जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और सेटिंग नंबर दो आपको समझाते हैं। सेटिंग नंबर दो क्या है, दो जैसे आप उसमें क्या है कि जैसे आप तीसरे नंबर पे आ रही है, इसको आप इसी सारे सिलेक्ट किए हुए, आप डेटा पे क्या क्या लोड करना चाहते हैं, जैसे आप डेटा पैकेज पे कुछ लोड करना चाहते हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेटा पे कुछ भी लोड करना नहीं चाहता, जैसे ऑटोमेटिकली लोड ना हो, तो इसलिए मैं इसको आपको हटा देना चाहिए, इसमें आपकी मोबाइल डेटा बच जाएगी। सेटिंग नंबर तीन, सेटिंग नंबर तीन क्या, इससे जो नीचे वाला वाईफाई लिखा हुआ है कंटिन्यू ऑन वाईफाई, ये सेटिंग क्या है, जैसे ये मैंने सब हटाए हुए हैं, अब इससे जैसे फोटो पे क्लिक करूँगा ये वाईफाई पे, जैसे वाईफाई में कनेक्ट करूँगा वाईफाई पे लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं फ़ोटो या वीडियो वाईफाई पे कनेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा वाईफाई पे जैसे मैं जाऊँगा तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। सेटिंग नंबर चार, सेटिंग नंबर चार क्या, इससे जो एंड वाली सेटिंग है वैन रोमिंग लिखा हुआ है नीचे एंड में, अब इसको ये जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आप इस पर क्या है तो इससे सबको हटा दें, क्योंकि आपकी इसमें से मोबाइल डेटा बच जाएगी। जैसे मैंने क्लिक नहीं किया, अभी क्लिक ना करें, ज़्यादा तो आपके सहूलत के साथ जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं, मगर इसमें मोबाइल डेटा ज़ाया होती है। सेटिंग नंबर पाँच, सेटिंग नंबर पाँच क्या, जैसे फिंगरप्रिंट मोबाइल में होता है ऐसे व्हाट्सएप में भी है, वो आप कैसे ऑन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंट में जाना होगा, अकाउंट में जाए और प्राइवेसी में जाएँ, जो एंड में जो लिखा हुआ है फ्रंट फिंगरप्रिंट लॉक एंड में जो, इसको आप क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे इसमें सेटिंग आ जाएगा जी, यानी कि आप 30 सेकंड करना चाहते हैं, एक मिनट में 30 सेकंड मैंने ओके किया हुआ, ये ऑन है, ये आप ऑन करके जैसे अपना फिंगर लगाओगे तो ये लॉक ऑन हो जाएगा, तो ये आप ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। सेटिंग नंबर पाँच क्या है, जैसे आप के फ्रेंड आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, आपको यानी ग्रुप में कोई ज्वाइन ना कर सके, तो आपको क्या करना होगा, ये इसी सेटिंग में जो अकाउंट लिखा हुआ है इसको आप यहीं पे रहने दें, इससे आपको कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकेगा। और सेटिंग नंबर जो एंड वाली है वो आपको ये है कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं, यानी कि मैसेज भेजते हैं, मगर वो जब मैसेज रिसीव करता है आपको एक ब्लू क्लिक के यानी कि नज़र आती है, निशान नज़र आता है, तो आप कोई किसी का भी मैसेज पढ़ लेंगे वो नज़र नहीं आएगा, आप उसको क्या करना है इसको ऑन कर दें, ये जो सेटिंग है इसको ऑन कर दें। जैसे ऑन कर देंगे आप किसी को मैसेज किसी का पढ़ेंगे तो मगर उसको पता नहीं चलेगा मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है।